बदतमीज, ये क्या किया तुमने? एहसान फरामोश कहेगी। कौन से एहसान किए उस आदमी ने? आपको इयररिंग्स लेके दिए हैं, खाने खिलाए हैं। वो हमें यहां से निकाल कर ले जा रहा था, अपना घर दिला रहा था। आपको पता है ना वो इन एहसानों का बदला कैसे निकालेगा? ये हुई ना बात, हानिया अम्मी मेरी उस उम्र रसीदा बंदे से शादी कराना चाहती हैं। तो क्या बुराई है इसमें? हानिया तुम नहीं जानती तुमने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो मेरा क्या कसूर है इसमें अम्मी? मैंने सारी जिंदगी आपको सिर्फ यही करते देखा है, लोगों के सामने आप मजलूम बन के उनकी जेबें साफ करती हैं। अगर आपने मेरी अच्छी तरबियत की होती तो इस मुकाम तक ना पहुंचती मैं। हाँ तो सारा कसूर तुम्हारे बाप का है ना? मैं तो याशी की जिंदगी गुजार रही थी, अपनी मर्जी की ऐश कर रही थी, तुम्हारे बाप ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, आसमान से जमीन पे फेंका, वो भी बंजर जमीन। आप तो हमेशा कहती थी कि नानी अम्मी बड़ी गरीब थी, बहुत मेहनत करके उन्होंने आपको बड़ा किया, तो फिर ये ऐशो आराम कहाँ से मिल गया आपको? बस अम्मी, अब आप और किसी से मदद नहीं मांगेंगी। मैं जानू मेरा अल्लाह, हम इज्जत से जिंदगी गुजारेंगे, सर उठा के जिएंगे। अपना लेक्चर अपने पास रखो, ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी जिंदगी के अच्छे और बुरे की तुमसे ज्यादा तमीज है। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी, जैसे मैं चाहती। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सालिया, मगर मैं उस आदमी से शादी नहीं करने वाली। हानिया तुम तो घूरना बंद करो अम्मी को। इतना सामान लाए थे सब उनके मुंह पे दे मारा। अरे आप ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा खाना। चुप करो तुम, हानिया के सामने मेरा सर झुका दिया।